फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस, यानी एक ऐसा टॉपिक जिसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ में जरूर किए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखें वो क्या टॉपिक है। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग अचानक से कहते हैं, याद आ गया, याद आया आज तुम्हारा बर्थडे है, याद आया मैंने अपना मोबाइल दराज में रखा है, याद आया कार की चाबी बेड पर है। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां कहते हैं याद आया। तो आइए देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना। अगर आपको कहना हो कि याद आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट ऑकर्ड टू मी दैट, यानी याद आया। आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझे ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। याद आया आज तुम्हारा बर्थडे है, इट ऑकर्ड टू मी दैट इट इज योर बर्थडे टुडे। याद आया आज एक पार्टी है, इट ऑकर्ड टू मी दैट देयर इज अ पार्टी टुडे। याद आया आज हमें सिनेमा देखने जाना है, इट ऑकर्ड टू मी दैट वी हैव टू गो टू सिनेमा टुडे। याद आया तुमने मुझे गाली दिया था, इट ऑकर्ड टू मी दैट यू अब्यूज्ड मी। याद आया मेरा जीमेल पासवर्ड है सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट ऑकर्ड टू मी दैट माय जीमेल पासवर्ड इज सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेंटेंस है जहां कहते हैं याद आया आप इट ऑकर्ड टू मी दैट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।